हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये वाली कैप मैंने कैसे बनाई। आपने देखा होगा मैंने कार्डिगन बनाया था सेम वैसे ही पैटर्न का, तो और इसी कलर का, इसी ऊन का, तो मैंने उसी के मैचिंग की एक कैप बनाई है और ये बिल्कुल एकदम से परफेक्ट आई है मुझे। ये देखिए, इसकी लेंथ भी एकदम सही है और इसकी ये चौड़ाई भी एकदम सही है। इसमें मैंने फंदे डाले हैं 105। यदि आप बच्चे की कैप बना रहे हैं तो आप 90 के आसपास फंदे रखें इसमें, 95 के आसपास फंदे रखें, 98 या 95, तो वो इजीली आ जाएगी। और ये देखिए, तो ये कैप जो है मैंने कैसे बनाई आपको वही मैं दिखा रही हूँ। ये जो बॉर्डर है ये डबल है और ये बॉर्डर मैंने कैसे बनाया है, ये स्पेशल चीज़ है। ये तो बाकी तो ये सिंपल बना हुआ है, ऊपर से पूरा सीधा बना के ऊपर ये फंदों की घटाई हो रही है और ये पोम पोम मैंने लगाया है इसमें। आप चाहे तो लगाएं, चाहे तो ना लगाएं। और यदि आप कोई और पैटर्न बना रहे हैं, इसमें तो अच्छी नहीं लगेगी, यहाँ पर आए आप एक फ्लावर भी लगा सकते हैं, बनाकर क्रोशिए से फ्लावर बनाकर वो लगा सकते हैं। और मैंने नहीं लगाया, बच्चों के कैप में या गर्ल्स कैप में अच्छी लगती है तो मैंने नहीं लगाया। तो देखिए कितनी सुंदर कैप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कैप को बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कैप मैंने बनानी यहाँ से शुरू कर दी है और ये जो इतना बनाया है ये वाला पोर्शन, ये है बिल्कुल सिंपल, इसलिए ये मैंने आपको दिखाया नहीं है। इससे आगे जो इसमें बनेगा तो वो आपको बताने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें बनाए हैं, डाले थे ये 105 फंदे और ये मैंने सेकंड कलर है, एक कोई भी कलर आप ले लीजिए, उससे मैंने स्टार्टिंग की थी, फंदे इस वाले कलर से डाले थे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे ये ऐसे फोल्ड करके डबल कर लेना है, लेकिन ये मुझे कैसे फोल्ड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। और इसकी लेंथ मैं आपको ये भी बताती हूँ, लेंथ कितनी है इसकी, ऐसे में कितनी लेंथ है। ये तो आप अपनी मर्ज़ी से कितनी भी रख सकते हैं। ये जो मैंने प्लेन बुना है ये वाला हिस्सा, ये आप इस वाले से, ये जो मैंने बॉर्डर वाला बुना है इससे कम रखेंगे, इससे आधा रखेंगे, बस इतना है। क्योंकि यहाँ से जब फोल्ड होगा तो ऐसे फोल्ड होगा, ऐसे तो इतना रह जाएगा ये, तो इस हिसाब से आप ये वाला पोर्शन रखेंगे। और ये अब मैं यहाँ से निकालूँगी, कैसे निकालूँगी वो भी दिखाती हूँ। पहले मैं इसकी आपको लेंथ बता दूँ कितनी है। तो जी ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये है लगभग 1.5 इंच, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये है, ये जो मैंने प्लेन बनाया है ये है लगभग 1.5 इंच, ये देखिए। अब हम ये वाला करते हैं चेक, ये है 3 इंच, ये देखिए ये 3 इंच है और ये है लगभग 1.5, तो इसका हाफ ही हुआ ये। तो वो मैंने, ये मैंने अंदाजे से बनाया है जबकि पहले नापा नहीं था, और मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये आप आधा बनाएं, इससे आधा ये बनाएं, इससे दोगुना बनाएंगे ऊपर वाला। अब मैं ये निकालती हूँ यहाँ से, ये वाला हिस्सा हम अलग कर लेंगे और ये वाला अलग, ये निकाल देंगे। ये इसीलिए मैंने दूसरे कलर से बनाया है ताकि ये यहाँ पर पता रहे कि हमें कहाँ से निकालना है। अब देखिए, यहाँ से मैं दूसरी सिलाई लूँगी एक और ये वाला ये निकालना शुरू करूँगी इस तरह से, बहुत इजीली निकल जाएगा ये। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से ये काट दिया था, कट कर दिया था, उसके बाद जब ये मैंने येलो कलर इसमें जोड़ा था इतना बना के 3-4 सिलाई, और ये मैंने यहाँ से कट कर दिया था, तो वही धागा है ये। तो इस तरह से आप इसे खींचते जाएंगे बहुत आराम से, तो ये अलग हो जाएगा ऐसे। तो देखिए, ये इस तरह से मैं इसे अलग कर रही हूँ इस धागे को,
इस नीचे वाले पोर्शन को अलग कर रही हूँ और ये अलग हो गया। अब ये वाले फंदे जो हैं ये हम सिलाई में भर लेंगे। ये साथ के साथ हम सिलाई में डालते हुए जाएंगे। इस तरह से। और ये वाले फंदे अब हम अलग करते जाएंगे। तो मैं ये सारे कर लेती हूँ इसी तरह से और फिर आपको दिखाती हूँ उसके बाद क्या करना है। देखिए इस तरह से हम इन्हें सिलाई में लेते जाएंगे। और ये जो धागा है ये धागा काट लेंगे क्योंकि इसका हमें कुछ नहीं करना। ये जब छोटा होता है तो बहुत इजीली निकल जाते हैं इसमें से फंदे, तो ये बढ़ता जाएगा धागा। ये देखिए ऐसे खींचता जाएगा, तो हम यहाँ से इसे फिर से कट कर लेंगे इस धागे को और फिर इसमें से ये खींचते जाएंगे, निकालते जाएंगे और ये फंदे अलग होते जाएंगे। तो ये धागा जब भी बड़ा हो जाएगा आप इसे कट कर लें। तो देखिए ये मैंने यहाँ से फंदे अलग कर लिए हैं। ये था वो मेरा जो बेस था, ये इस कलर से मैंने फंदे डाले थे और इसके चार सिलाई मैंने बनाई थी। उसके बाद मैंने ये वाला कलर ऐड कर लिया था। अब मैंने ये अलग कर लिया है, वो आपको दिखाया ये है। तो ये इस तरह से फंदे हो गए दो सिलाई में। अब हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। ये वाला पोर्शन ऊपर रहेगा सीधी साइड और ये वाला नीचे रहेगा उल्टी साइड। तो धागा हमारा इस तरफ है और हम इसे जब ऐसे करेंगे तो ये हमारी सीधी साइड है, तो हमें इसे सीधा बुनना है। और अगर ये उल्टी साइड होता, इधर होता ऐसे, यदि ये ऐसे होता तो हम इसे उल्टा बुनते। तो ये सीधी साइड है तो हम इसे सीधा बुनेंगे। देखिए कैसे करेंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये फंदा और इसमें से एक फंदा, इस फंदे को पहले हम ऐसे कर लेंगे क्योंकि ये शुरू का फंदा है। तो ये फंदा और एक फंदा इसमें से, इन दोनों का हम एक बनाएंगे इस तरह से। अब ये वाला फंदा और एक फंदा इसमें से इस तरह से लेंगे, दोनों का एक बनाएंगे। तो एक फंदा इसमें से और एक फंदा इसमें से लेते जाएंगे और हम सीधा बुनते जाएंगे इस तरह से। एक ये ले लिया, या तो आप इस सिलाई में ले लें इसे और फिर दोनों को इस तरह से बुन लें। इसे इस सिलाई में ले लें नीचे वाली में और दोनों को इस तरह से बुन लें। ये वाला फंदा यहाँ ले लेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे। तो इस तरह से दो का एक करती जाऊंगी मैं। एक फंदा इस सिलाई में से लूंगी, एक फंदा उस सिलाई में से लूंगी, तो ये सिलाई पूरी हो जाएगी और ये जुड़ जाएगा इस तरह से, डबल हो जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ पूरा करके, एक फंदा और दिखा देती हूँ आपको। इसमें से ये फंदा इस सिलाई में ले लेंगे नीचे वाली में और इधर से भी एक फंदा ले कर इन दो का एक बना देंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने डबल कर लिया है, ये फंदे मैंने बुन लिए हैं उस सिलाई के भी और इस सिलाई के भी, एक इधर से लेकर एक इधर से लेकर। तो इधर से ये उल्टी साइड है, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। अब इसके ऊपर मुझे बनाना है पैटर्न, तो मैं वो पैटर्न पहले बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और उस पैटर्न की वीडियो भी यदि अपलोड नहीं हुई होगी तो वो पैटर्न की वीडियो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इतनी बना ली है, जितनी लेंथ मुझे चाहिए उतनी लेंथ मैंने पूरी कर ली है। अब यहाँ से इसकी घटाई शुरू होगी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये मैंने कितनी बनाई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये बनी है 8 इंच, ये देखिए 8 इंच बनी है ये। और मैं आपको कैप दिखाती हूँ, ये कैप है रेडीमेड, ये जो बिल्कुल एकदम से परफेक्ट आती है मुझे, तो मैंने इससे भी ये इसकी जो लेंथ है इससे भी
मेज़रमेंट इससे भी ले लिया है देखिए। और ये जो थोड़ा सा रह गया है ऊपर का, जब हम इसकी घटाई करेंगे ये गोलाई तब आएगी, तो ये इतनी ही बनेगी बिल्कुल, ये देखिए। तो अब मैं यहाँ से इसकी घटाई शुरू करती हूँ और दिखाती हूँ आपको कैसे घटाना है। और ये जो मैंने ये पैटर्न इसमें डाला है, ये मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। मेरा पूरा कार्डिगन इसी बुनाई इसी पैटर्न का है, तो मैंने उसी के मैचिंग में ये कैप बनाई है, तो इसकी वीडियो अपलोड की हुई है, मैं लिंक दे दूँगी आपको। तो मैं यहाँ पर इसे घटाती हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, ये जो बीच में दो फंदे हमने उल्टे बुने हुए हैं, हम इनके दो का एक बनाएंगे फ़िलहाल। तो ये तो मैं स्लिप ही करूँगी, यहाँ पे एक ही फंदा है। और ये जो पैटर्न है, यहाँ पर हम पैटर्न भी डालेंगे ही। तो ये पैटर्न मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इस तरह से। धागा आगे करेंगे और ये जो दो उल्टे फंदे हैं बीच में गैप वाले, इन दो का एक बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर से मैं यहाँ पैटर्न डालूँगी, तीसरे छेद में सिलाई डालेंगे, यहाँ से लूप ड्रॉ करेंगे, ये तीन फंदे सीधे बुनेंगे और फिर से वहीं से एक लूप ड्रॉ करेंगे। धागा आगे करेंगे और ये जो दो फंदे हैं उल्टे, इन दो का एक बनाएंगे। तो इस तरह से मैं ये पूरी सिलाई बना लूँगी, फिर बताऊँगी आपको ये मुझे कैसे घटाई करनी है इसकी। तो जी ये है हमारी दूसरी सिलाई, ये मैंने स्लिप कर लिया, धागा आगे करेंगे, जो लूप वाला फंदा है वो स्लिप करेंगे, तीन फंदे बीच के उल्टे बुनेंगे, ये उल्टे बुन लिए और फिर से ये लूप हम स्लिप करेंगे। तो वैसे यहाँ पर दो फंदे थे क्योंकि हमने राइट साइड में दो का एक बना लिया, तो अब यहाँ पर एक फंदा है, तो ये फंदा हम सीधा बुनेंगे और धागा आगे करेंगे, फिर से ये लूप वाला फंदा स्लिप करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर से लूप वाला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से ये सिलाई पूरी कर लूँगी मैं। दो सिलाई हो गई हमारी, ये है तीसरी सिलाई। इस सिलाई पर हम, ये राइट साइड है, यहाँ पर मैं फंदे नहीं घटाऊँगी, यहाँ पर सिर्फ ये पैटर्न ही बना रही हूँ, नहीं तो पैटर्न बिगड़ जाएगा। तो यहाँ दो का एक बनाएंगे, लूप वाला फंदा और ये वाला फंदा, ये सीधा बनाएंगे और ये लूप वाला फंदा और ये वाला, ये दोनों एक साथ बुन देंगे। धागा आगे करेंगे, ये फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक लूप वाला फंदा और एक ये दो का एक बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदा फिर से ये दोनों फंदों का एक बनाएंगे। तो इस तरह से ये सिलाई मैं पूरी कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, तीन सिलाई हो गई है, ये है चौथी सिलाई। ये बिल्कुल सिंपल है, जो जैसा दिख रहा है वैसे ही बुनेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, तीन उल्टे एक सीधा, ये स्लिप कर लिया मैंने, यहाँ पर तीन फंदे उल्टे ये पैटर्न वाले हैं, दो और ये तीन, धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा। तो इस तरह से ये सिलाई भी मैं पूरी कर लेती हूँ। इससे अगले वाली सिलाई जो राइट साइड में आएगी, उसमें फिर से हम फंदे घटाएंगे, क्योंकि इसमें पैटर्न डाला है तो पैटर्न में हिसाब से फंदे घटाने पड़ते हैं, ताकि पैटर्न बिगड़े ना, तो उस हिसाब से मैं इसमें फंदे घटा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फंदे भी घटाए थे और पैटर्न भी बना लिया है, बिल्कुल भी यहाँ पर थोड़ा सा भी चेंज नहीं आया है, ऐसा नहीं लग रहा है कि फंदे घटे हैं। तो यहाँ पर अब मैं फंदे फिर से घटाऊँगी, अब हम यहाँ पैटर्न बंद कर देते हैं, अब हम यहाँ फंदे ही घटाएंगे, लेकिन हिसाब से घटाने पड़ेंगे। ये मैंने स्लिप कर लिया, धागा पीछे करेंगे, ये तीन फंदे हमारे पैटर्न वाले हैं, इन तीन फंदों का हम एक बनाएंगे, जिस तरह से हम वी शेप का जब गला बनाते हैं तो उसकी फली बनाते हैं, ये फंदे ऐसे लेंगे और इन दोनों फंदों को सिलाई पर ले लेंगे और अब इन तीनों फंदों का एक बना लेंगे। अब बीच वाला फंदा ऊपर रहेगा इस तरह से, जैसे वो फली वाला फंदा होता है ऐसे, देखिए। धागा आगे करेंगे, ये फंदा उल्टा कर बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से ये तीन फंदे हैं, इनको हम इसी तरह से घटाएंगे, दो फंदे इस तरह से लेंगे सिलाई पर
और फिर से इन फंदों को सिलाई पर ले लेंगे और इन तीनों फंदों का एक बना देंगे इस तरह से। धागा आगे करेंगे, ये फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से इन तीन फंदों का हम यही करेंगे। ये जो तीन तीन फंदे हैं, तीन 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 फंदों का एक एक बनाते जाएंगे ऐसे। तो इस तरह से मैं ये सिलाई बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फंदे घटाए हैं और पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा है, मतलब शेप नहीं बिगड़ी है और अच्छा लग रहा है। तो अब मैं रॉन्ग साइड पर आ जाती हूँ, इधर हम फंदे नहीं घटाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो जैसा है वैसा ही बुनेंगे हम। एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा आएगा, एक उल्टा धागा पीछे एक सीधा। तो अब हम आ गए हैं राइट साइड पर। अब यहाँ पर हम फंदे इस तरह से घटाएंगे, ये वाला नहीं घटाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये फंदा इस तरह से पलटेंगे और इसके साथ ये उल्टे वाला फंदा बुन देंगे ऐसे। इसे पलटेंगे, इसके साथ ये वाला फंदा बुन देंगे। अब इसमें कोई भी फंदा उल्टा नहीं आएगा। इस तरह से हम दो का एक बनाते जाएंगे। ये इस तरह से पलटेंगे और इसके साथ ये वाला बुन लेंगे। तो यहाँ हम दो का एक बनाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये कैप लगभग पूरी हो चुकी है और यहाँ पर मेरे पास बचे हैं ये 23 स्टिचेस। अब ये फंदे मैं पूरे के पूरे सिलाई उसमें ले लूँगी, सुई में, और यहाँ से हम इसे क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला धागा जो बुनाई वाला था, ये मैंने इतना कट कर लिया है, इसी से सिलाई करनी है, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा ले लिया है मैंने, ये सुई में ले लिया है। अब हम ये सारे फंदे इस तरह से, तो ये पूरा हम खींच लेंगे और एक बार और हम सुई इसमें फंदों में से एक बार और हम सुई निकाल लेंगे ताकि ये डबल धागा हो जाए और ये कमज़ोर ना रहे। इधर से सुई डालेंगे, इधर से और उधर को फिर से निकाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है बिल्कुल पक्का। अब हम इसमें मारेंगे सिलाई। ये उल्टी साइड है, यहाँ तक सिलाई मार दूँ मैं, फिर इस बॉर्डर में कैसे सिलाई मारनी है वो मैं आपको बताऊँगी। इसमें बिल्कुल सिंपल सिलाई मारनी है, सिलाई लगानी है जैसे आप लगाते होंगे स्वेटर में, बिल्कुल वैसे ही। और पहले तो हम इसमें एक बार फिर से एक दो बार सुई निकाल देंगे इस तरह से, इसे मजबूत करने के लिए। अब हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक हमने ये सिलाई लगा ली है। अब ये है बॉर्डर, ये डबल है, तो इसमें हमें कैसे सिलाई लगानी है। हम पहले ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसका, इसे सिलेंगे ऐसे, सिलते सिलते जाएंगे जहाँ तक भी हमसे सिला जाएगा। उसके बाद इसमें ऊपर से सिलाई लगा देंगे फिर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक सिलाई लगा ली है, ऐसे लगाई है मैंने ये।
ऐसे करके लगाई है और अब ये थोड़ा सा ऊपर आ गया है, तो देखिए ये सिलाई बिल्कुल चमकेगी नहीं। अब हम इसे यहाँ से बंद कर देंगे सिलकर। एक बार इधर सुई डालेंगे इस वाले सिरे में, इस वाले किनारे में, और एक बार उधर। तो इस तरह से किनारा मिला के हम इसे इधर से बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया है ख़त्म। और यहाँ पर हम इसमें गांठ लगा लेंगे। ये वो धागा है जिससे हमने ये स्टार्ट किया था, फंदे डाले थे। तो ये धागा इसमें गांठ लगा देंगे इस वाले धागे की, और इन दोनों को हम कट कर देंगे। अब इस कैप को हम कर लेते हैं सीधा। इसमें सिलाई है ये, लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा है कि किधर सिलाई है और किधर से शुरू हुआ है। तो ये देखिए इसमें कितना बड़ा सर आ जाएगा, काफ़ी बड़ा आ जाएगा। और अब यहाँ पर आप इसमें लगा सकते हैं पोम पोम लगा सकते हैं, और ऐसे भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो हमारा ये कैप बनाने का तरीका आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। और यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को जम के शेयर करना, क्योंकि मैंने ये कैप जो बनाई है इस वाले पैटर्न की कहीं से देखी नहीं है, अपने दिमाग से ही बनाई है। आप बताना ज़रूर, और आप यदि बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी चुभेगी नहीं, एकदम से स्मूथ है, देखिए कितनी स्मूथ है, क्योंकि ये किनारी चुभती है यदि हम ये बॉर्डर डबल ना करें तो। ये देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर, और आपको मिलते हैं किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ, किसी और अच्छे से पैटर्न के साथ। तो देखते रहिएगा मेरा चैनल, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।